मुरली है 18/1/2002 और मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपनी स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत बाप समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप 49 निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों की को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रू रिहान करते मीठा मीठा उलाना भी दिया कि आप इतना
जल्दी क्यों चले गए? और दूसरा उलाहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए? तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी इसी बाप बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्ट मोह स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन सोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोद थी। इसको कहते हैं वह ड्रामा, वह सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलहने दिए हैं। डबल फॉरनर्स ने उलहने दिए। डबल फॉरनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, 3 साल आप रुक जाते तो हम देख लेते, देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की, तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों की में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार रूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रियां करणहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में इस बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, डबल फॉरनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। यह है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली, और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी 51 महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है,
ऐसे ही आपकी रचना डबल फास्ट फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं, इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फार्नर्स डबल सिकलदे हो। भारत के भाई बहने आपको देखकर करके खुश होते हैं, वाह डबल फार्नर्स वाह। डबल फार्नर्स को खुशी होती ना, कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। डबल फार्न में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छा है। यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है, अच्छा। सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां समान बाप शक्ति सेना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है, अच्छा। आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं, कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, यह भी स्नेह की निशानी है, अच्छा है। अपना स्नेह का सबूत दिया, अच्छा। टीचर्स हाथ उठाओ, हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं, टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, अच्छा है। अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ, सुना क्या करना है, अच्छा। मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्या याद को क्यों याद करते हैं, क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है, मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है, मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन से सेवादारी आए हैं, इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना, सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवादारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया, यह दुआओं का पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है, अच्छा। देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना, सभी कांध हिला रहे हैं, हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्करा रही है, वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले, अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना, अच्छा। अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। लिविंग वैल्यूज को ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा। सेवा का साधन है, लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना, अच्छा। बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसा इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे की, ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं,
अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाए हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा तीन शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता, वन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दादी जी से। आज आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना? चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है, दुआएं सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, या है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना? शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है, वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सुमालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हो तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है, और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी भी आवश्यकता है ना? ऐसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें? वह तो प्लेन बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
शांति और सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। उस दिन आज बाबा ने कहा है कि जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन तीन शब्द में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, इन तीन शब्दों की शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी, सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए बहन जी। ओम शांति। मैं आगे से इसके आगे बोले हूँ। कोई बाबा ने कहा कि कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रिया करणहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। सारे दिन में चेक करो, करावन आत्मा बन कर्म करा रही हूँ या नहीं। ऐसे बाबा ने बोला कि सारे दिन आप अपने को चेक करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने परमात्मा स्नेह के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। स्नेह छत्र छाया है जिसके अंदर माया की परछाई नहीं पड़ सकती, सहज मायाजित बन जाते हैं। जब स्नेह रहता है तो किसी बात में, किसी कार्य में मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है और स्नेह के पीछे सब कुछ समर्पित करना भी सहज हो जाता है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज ये विशेष वाणी 18 जनवरी की है। वैसे तो बाबा की सभी वाणी विशेष हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जैसे ये स्मृति दिवस है तो स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहते हो, ऐसे ही सदा समाये रहो। बाबा हमेशा ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में भी दिखाया है, गंगा सागर का मेला। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सदा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से छूट जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुननी आती है क्या या नहीं आती है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, यही है ब्राह्मण को फॉलो करना। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित रहो, हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सेवा का चांस लेना था, पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपने पुण्य खाता जमा किया, यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने कहा बाप का प्यार का सबूत दिखाना है, कैसे दिखाना है? सो बाबा ने कहा सदा संकल्प में समर्थ हो,
अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, सदा समान नहीं बने, सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सो हम सदा समर्थ रहना है, तब विश्व का परिवर्तन होगा, है ना। सर्वशक्ति आत्मा ये शक्तियों से बिल्कुल काली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। सो बाबा हमको मुक्ति दाता बन करके भिखारी आत्माओं को शक्ति देना, ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप ने तीन शब्द कहा है, तीन शब्दों में शिक्षा दी है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन तीनों शब्दों की शिक्षा स्वरूप बनो। बाबा ने कहा कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनो। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। और ये अभ्यास बाबा ने सारे दिन में बार बार करने के लिए कहा है। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने तीन शब्द कहा ना, इसका हम चर्चा कर सकते हैं। मनसा में निराकारी, वाचा में निराहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी, माना क्या है? इसका भावार्थ क्या है? मनसा में निराकारी माना मैं आत्मा की स्मृति, आत्मिक स्मृति रहे मन में, और वाचा में निरंकारी माना अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, बिल्कुल निरंकारी वाचा, और कर्मणा तो निर्विकारी अपने आप हो ही जाएगी, विकार मुक्त कर्म। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जो बोले कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी, तो मनसा में निराकारी मीन्स की जब भी हम मनसा सकार देते हैं या शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, तो निराकारी अवस्था में रहने से वो ज्यादा पावरफुल होगा हमारा, और वाचा में हमें निरंकारी रहना है, हमारी वाणी जो होती है वो हमेशा ऐसी हो फिर लोगों की सुनने के लिए इच्छा भी हो और सुनकर प्रभावित हो। अगर हमारी वाणी में अहंकार रहेगा तो सुन के लोग थोड़ा सा दूर होंगे और शायद उतना असर नहीं करेगा, और ये हमारे स्तर को भी गिराता है। और उसी तरह कर्मणा हमारा जो है वो पूरी तरह निर्विकारी हो, हमारे हाव भाव व्यवहार जो है वो पूरी तरह निर्विकारी हो, जिसमें दृष्टि जैसे या हाव भाव लक्षण, उठना बैठना, कार्य करना, वो उसमें किसी भी तरह के विकार का लक्षण नहीं आना चाहिए। जैसे लोग में बहुत देहभान से युक्त होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, बाबा का वही बात है। ओम शांति। ओम शांति। मनसा में निराकारी आणि रुहाने तेज आणि चाहिए चेहरे पर रुहाने दिखाए तो मनसा में निराकारी तेज झलकने लगने चाहिए। ओम शांति। रुहाने तेज। ओम शांति। मनसा में साकार देह का ना संकल्प का और किसी भी आकारी रूप का संकल्प ना हो, और वाचा में मैं और मेरापन जो है वो बिल्कुल ना रहे, ये भी डाल सकते।
हाँ बोलू मैं बहन जी। हाँ जी, यहाँ पर सभी ने बहुत बताया, लेकिन थोड़ा सा मुझे कि निराकार यानी जब हम वाचा में रहते हैं तो हमें उस समय बिंदु बाप की स्थिति में स्थित रहकर निराकारी इस बिंदु बाबा और बिंदु मैं इस रूप में अगर हम वाचा में रहेंगे, मनसा में रहेंगे और वाचा में हमें निरहंकारी हमें किसी प्रकार का मैंपन जब हम वाचा में बोलते हैं तो हमारा मैंपन वहां पर दिखाई रहे कि ये मैं ओनली बाबा जी बोलते मैं माने बकरा। तो इस तरह से मैं का ये निरहंकारी रूप हमारा रहे, मैं का ना हो और निर्विकारी मैंने हमारे पांचों जो विकार के पांच जो गुण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे न दिखाई दें। ओम शांति। अच्छा, सो मनसा में अर्थात सोच में हम निराकारी आत्मा ये स्थिति रहेंगे तो वाचा में निरहंकारी तन आएगा, कर्मणा में निर्विकारी। सो हम जो करते हैं वो निस्वार्थ हो, स्वार्थ हो, यही ही निर्विकारी। सो उसमें कर्मणा में हम गुण दान कर सकते हैं ना, गुण को हम प्रदर्शन कर्मण से ही करते हैं, सो उससे पता चलता है। सो वो कर्म निर्विकारी स्थिति से निर्विकारी हो जाए, है ना, उस कर्मण में हमारा गुण दिखाई दे। इसलिए बाबा ये तीन बातें के मनसा में निराकारी स्थिति का याद रहे तो ये दोनों वाचा और कर्मणा में निरहंकारी निर्विकारी स्वतः आ जाता है। सो मनसा में रहना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बाबा ने बीच बीच में ये अभ्यास करने के लिए कहा है, मैं आत्मा करावनहार हूँ, ये कर्मी या करणहार है, बाप समान में आत्मा करावनहार हूँ, ये हम बीच बीच में अभ्यास करना है तो ये हो सकता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी, आज बाप, आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा ने के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के सामने नैनों में प्रेम की गंगा जमुना निकलने लगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मनसा में मनसा वाचा कर्मणा जैसे बाबा ने आज कहा निराकारी निरंकारी निर्विकारी, तो सबसे पहले बाबा ने आज मुरली में भी कहा है निराकारी स्थिति माना करावनार स्थिति, और जब निराकारी स्थिति में अगर रहते हैं तो बाप स्वतः याद आती है, ये भी बाबा ने आज मुरली में कहा। तो मनसा निराकारी अर्थात माना बीज माना संकल्प, ये हमारा बीज है। जब मनसा में अगर वो बीज अगर होती है तो जैसा बीज होगा वैसा ही हमारा वाचा भी होगा, वैसे ही हमारा कर्मणा भी होगा। तो हमें मेहनत इसी में करना है कि मनसा में ही हमारा वो निराकारी स्थिति में हमें स्थित होना है, मना बीज रूप कि मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारी वाचा भी में क्या होगा निरंकारीपन आएगा और कर्मणा में भी निर्विकारी बने। तो हमें मेहनत मनसा की करनी है क्योंकि वो बीज बीज से हमें शुरुआत कर। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो वही तो मनसा में निराकारी है तो बाबा का गुण निरहंकारी निर्विकारी ऑटोमेटिक आ जाता है। सो सही कहा आपने, हम मनसा में थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है, उसमें हम मेहनत करना है मनसा में निराकारी स्थिति का। अच्छा, और जैसे बाबा निरहंकारी है ना, निर्विकारी है परमात्मा,
ऐसे हम भी बन सकते, लेकिन बीज संकल्प में हम निराकार आत्मा है, ये इम्पोर्टेंट इस बात का स्मृति रहे। अर्जुन का भी बाबा याद किया है इस मूल्य में, अर्जुन का यादगार इसको ही बताना चाहते हैं। ओम शांति। जिसे अर्जुन को बताया ना कि अर्जुन को लास्ट में नष्ट मोह स्मृति लग जा, वही बताया कि लास्ट में भी नष्ट मोह स्मृति लग जा बनना है, नहीं तो अच्छा। ओम शांति बोलिए बन जाओ। ओम शांति। बाबा ने अर्जुन का एक मतलब भी बताया हमें कि अर्जुन मतलब ग्रहण करने वाला, तो हमें भी बाबा के ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करके ओम शांति। आप सुन सकते हो बहन जी? हाँ जी सुन सकते हैं। स्नेह के बारे में आज बाबा ने बहुत बताया, और दिल का स्नेह कैसा रहता है उसका उदाहरण कल दशरथ भाई जी ने बताया, जिनको पालना मिली है बाबा की। तो पहले अबू रोड से मधुबन तक सेवाधारी पैदल जाते थे, कुछ सुविधा नहीं थी, तो बाबा पहले ही गर्म पानी और टॉवेल तैयार रखते थे और उनको पैर से एक करते थे, सेवा करते थे, और उनकी थकावट दूर होती थी। ये है दिल का स्नेह। ओम शांति। नष्ट मोह का बाबा ने इधर याद किया है, जैसे ब्रह्मा बाबा नष्ट मोह बना, सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण संशोस फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। देखिए संशोस का फादर के पार्ट ड्रामा में नोंद थी, इसको कहते पार ड्रामा वा। सो सेवा का परिवर्तन नोंदा हुआ था। सो सभी बच्चे बोल रहे थे ना क्यों गए, है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनाना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। So, ये बहुत सुंदर लाइन है, समय प्रमाण संशोध फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। सो इसलिए ब्रह्मा बाबा नहीं बोला है बच्चों को मैं जा रही हूँ करके, है ना, बुलाना देते ना हम सभी बच्चे रू रिहान में, हमने आपको नहीं देखा है। सो आप रहे तो अच्छा था, है ना, इतना जल्दी क्यों चले गई। सो बाबा का ये आंसर था, बहुत अच्छा ने बाबा ने वो संशोध फादर का पार्ट बहुत अच्छा बचाया। नष्ट मोह स्मृति उस समय था ना, बहुत अच्छा है। और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट एक दो पॉइंट, अभी टाइम हो रही है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने बोला कि वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है, और इससे ही स्नेह संस्कारों के परिवर्तन भी कर सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बना सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ओम शांति। ओम शांति।
थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है सारे दिन में नाराज नहीं हो, यह सच पुरुषार्थ। ओम शांति। हाँ जी, दुआ देना ना यही फास्ट पुरुषार्थ है। हाँ जी बोलिए प्रतीक्षा गुण जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें एक अभ्यास भी दिया है कि मैं निराकार आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म कर रही हूँ। अभ्यास हमें दिन भर करना है क्योंकि कर्म बंधन में फंसने से बाबा बोलते कि समस्याएं आती हैं, इसलिए इस अभ्यास से हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, हम यही होमवर्क लेंगे आज सारा दिन में, है ना। मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्र के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकार स्थिति करावनहार स्थिति है। सो ये हम बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे निराकारी और साकारी स्थिति का, ये अनुभव करेंगे कर्मेंद्रिय द्वारा मैं आत्मा करा रही हूँ, मैं आत्मा करावनहार हूँ, ये कर्मेंद्रिय करणहार है। सो ये बीच बीच में हम अभ्यास करेंगे। और बाबा ने स्नेह का भी बताया ना, सो से स्नेह में समाये रहे सारा दिन और मुक्तिदाता बन करके, मास्टर मुक्तिदाता बन करके परिशन आत्माओं को सुख शांति का अंजलि देना। सो हम इवनिंग योग में हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो ट्रैफिक कंट्रोल में हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा हम योग की तरफ जाएंगे। निशा बहन जी आप योग कराएंगे 2-3 मिनट। जी ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं और सारा ध्यान मस्तक के बीच लेकर आएं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान परमात्म स्नेह में लवलीन मैं एक निराकार आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से स्नेह की वाइब्रेशन निकलकर चारों ओर फैल रही है। ये वाइब्रेशन उन सभी आत्माओं के पास पहुंच रही है जो अतृप्त हैं, ये रूहानी स्नेह उन आत्माओं को संतुष्ट कर रहा है। अब मैं आत्मा 1 सेकंड में मन बुद्धि सहित पहुंच जाती हूँ बिंदु बाप के पास परम धाम में। मैं आत्मा बिंदु बन बिंदु बाप के पास स्नेह में सन्मा स्नेह के सागर प्रेम के सागर शिव बाबा के पास सामने देखे बाबा की स्नेह की किरणें दूर से ही मुझ आत्मा को खींच रही हैं। मैं आत्मा बाबा के पास चिपक गई हूँ। अनुभव करें वो स्नेह जो आज तक हम आत्माओं में 63 जन्म
शरीरधारियों में ढूंढना। लेकिन नहीं पाया। बाबा से वो मिल रहा है निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ स्नेह, जिसे हम कई जन्मों से ढूंढ रहे थे। यही तो चाहिए था जो अब मिला है। भरपूर कर ले अपने आप को, मैं आत्मा बाबा के प्यार से स्नेह की लहरों में समा रही हूँ। और यही संकल्प करती हूँ बाबा, अब मैं हमेशा समाई रहूंगी। भरपूर करके संतुष्ट होकर मैं आत्मा वापस इस साकार देह में आ रही हूँ। मैं आत्मा करावनहार बनकर इस शरीर में अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। बाबा का स्नेह, रूहानी स्नेह मेरे पूरे अंग अंग में समा रहा है। हम सब आज सारा दिन बाबा के इसी स्नेह के साथ इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म को कराएंगे। और यही स्नेह सारा दिन अपनों को दान देंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। गुड डे। गुड डे ऑल तपस्वी। गुड डे तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।